इंदौर में 300 करोड़ के टेंडर में घोटाले का किया खुलासा। मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 2017 में जो 300 करोड़ की निविदा निकाली गई थी उसके आवंटन का आधार ही गलत था। इतने में जुट रचना की गई थी जो कि जांच अनुसंधान होने पर सामने आ जाएगी। 2000 करोड़ तक जा सकता है घोटाला। निविदा में शामिल ठेकेदारों की कंपनियों के टर्न ओवर करोड़ों के हैं और पूरे देश में इनका व्यापार फैला हुआ है। यदि पूरे टेडी की जांच की जाए तो यह घोटाला 2000 करोड़ की भी पार कर सकता है। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने की मामले को रफा दफा करने की साजिश। टेंडर घोटाले में जहां करोड़ों रुपए की वसूली करना थी वहां से 2 लाख लेकर मामले को रफा दफा करने की साजिश रची गई। हेडलाइन 24 से संतोष योगी। ये कागज है जो इन्होंने बिल लगाया बहुत ज्यादा, इसमें ये आखिरी कॉलम में हमने इसको हाईलाइटर हाईलाइट किया है कि PMRPY योजना का लाभ हमने इतने रुपए का लिया है। ये हम एक वाउचर दिखा रहे हैं, जितने बिल लगे सब में यही वाउचर लगे और इसी को ये इन्होंने दिखा दिया। बिजली विभाग को नहीं बताया, EPF को दिखा दिया, EPF ने ये लाभ दे दिया। अब इसके बाद इन्होंने इसी कागज को फोटो शॉप में ले गए की इरफान भाई, इरफान भाई ये हमारे पास आई डी अटेंशन कॉपी है, ये डिपार्टमेंट की अटेंशन कॉपी है, यदि यही देखिए फूटन तो जब ये घोटाला हुआ कहाँ गया यार, तुम कहाँ चले गए, तुम अभी मेरे को तंग कर रहे थे वापस चले गए। तो इसलिए इस घोटाले की जांच होना चाहिए व्यापार स्तर पर और अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए और कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए जिससे इनको दोबारा कोई दूसरी कंपनी जनता के पैसे से इसमें आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। और देखिए सारी कंपनियों का अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, किसने कितना घोटाला किया है, हमने मार्क भी किया है मार्कर से, तो आप इसको देख लें, हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, ये लगभग 12 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो इसमें जब कंपनियों ने बिजली विभाग को लिखा कि आप इनके विरुद्ध FIR कराएं, लेकिन बिजली विभाग चुपचाप बैठा रहा, बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना वसूली नहीं की, और इसको जब 1 साल 1.5 साल हो गया, हमने इसकी RTI में कागज निकाले, इसकी हमने EPF को चिट्ठी लिखी, EOW ने जब इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, तब हम न्यायालय की शरण में गए और भोपाल कोर्ट से इसमें आदेश हो चुके हैं कि EOW को आदेश दिया है, कोई कागज इसमें लगा हुआ है आदेश कि आप इसमें FIR दर्ज कर जांच प्रतिवेदन 21 मार्च को कोर्ट में पेश करें। तो ये सिर्फ एक पश्चिम विद्युत वितरण क्षेत्र का है, अगर चारों कंपनियों का ये घोटाला देखेंगे तो लगभग 300 करोड़ का है और अन्य विभागों का देखेंगे तो और ज़्यादा जाएगा, जिसमें यही कंपनियां मोस्टली इन्वॉल्व हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है, पूरे देश में काम कर रही है, ये कंपनियाँ पूरे देश में काम कर रही है, हम चाहते हैं कि ये पैसा रिकवरी हो, इनके विरुद्ध आपराधिक तो दर्ज हो ही रहा है, लेकिन शासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं बिना उनके मिले ये घोटाला नहीं हो सकता। और इत्तेफाक की बात, क्योंकि आप सभी मीडिया से हैं, कि उस समय जो पश्चिम विद्युत वितरण क्षेत्र में मंत्री थे वो आज इसके सचिव हैं और वो अभी भी कार्रवाई नहीं कर रहे, नाम आपको पता चल जाए।